हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे मसूर दाल का पकौड़ा। ये पकौड़ा झटपट बन भी जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सी जार लेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप मसूर दाल को 1 घंटे के लिए पानी में भिगोने के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए ये अच्छी तरह से फूल चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे, अब इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे, 5 लहसुन की कलियाँ डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। अब इन सभी को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर देखिए मैंने 4 प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। देखिए जो मैंने दाल ग्राइंड किए थे अब इसमें हम डाल दिए हैं। अब इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन डाल देंगे और नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। तो अब कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें हम तेल डाल देंगे, तेल को भी हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो देखिए तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब इसे हम हथेली की मदद से इस तरह से बना लेंगे। छोटा बड़ा आप अपने अनुसार बना सकते हैं। इसी तरह हम सारे को बना लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे ताकि पकौड़े अच्छी तरह से क्रिस्पी हो। इसे हम थोड़ी देर बाद पलट लेंगे। तो देखिए थोड़ी देर हो चुका है। अब इसे हम एक एक करके पलट लेंगे। इसे हम दोनों साइड से उलटते पलटते गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे पकौड़े कितने क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं। तो देखिए इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मसूर दाल का पकौड़ा बनके रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।